after watching today's video, please don't kill yourself. What is up everyone and welcome back to my channel. आज थोड़ा गला खराब है, खांसी भी है, कोल्ड भी है, सर दर्द भी है, तो नहीं ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, दिस इज जस्ट नॉर्मल फ्लू. तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा बैठ के ही वीडियो बना लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं करेंगे. इसलिए आज हम ट्राई करने वाले हैं सम ऑफ द हैक्स फ्रॉम 5 मिनट्स क्राफ्ट, जो कि मुझे लगता है कि रियल लाइफ में सक्सेसफुल है नहीं, बट वो दिखाए जाते हैं. तो आज हम उनका वायरल टेस्ट करेंगे कि वो यूजफुल है या फिर नहीं, या फिर ऐसी लोगों को बनाया जाता है. फर्स्ट हैक विच आई विल बी ट्राइंग इज द लिपस्टिक एंड द ईयरबड हैक. अब तुम लोग सोचोगे कि लिपस्टिक और ईयरबड का क्या काम है एक साथ, तो मैं ये बता दूं कि लिपस्टिक जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर वो हमारे यहाँ कॉर्नर्स पे लग जाती है, इसलिए ईयरबड का यूज़ करेंगे. देखते हैं ये यूज़फुल है या नहीं. नहीं, मैं ब्यूटी ब्लॉगर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टेस्टिंग इट कि ये हमारी रियल लाइफ में, हम जैसों की रियल लाइफ में जिसको मेकअप नहीं आता उसके काम आ सकती है या नहीं. तो ये ईयरबड को हम लोग अपने इधर रखेंगे. मुझे पता ही मैं क्या लग रही हूँ, बट आई एम लुकिंग वेरी फनी. दिस इज पैथेटिक ऑलरेडी. चलो आगे चलते हैं एंड ट्राई देन. लेट्स ट्राई आवर लिपस्टिक. दिस इज माई लिपस्टिक. आई डोंट यूज रेड एंड पिंक, आई जस्ट यूज न्यूड. आई जस्ट यूज द न्यूड शेड. तो चलो ट्राई करते हैं. ओके, तो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया. अब ये हटा के देखते हैं कि है. ओके ठीक है, कॉर्नर पे तो नहीं लगी बट यहाँ पर ये फैल गई है. या फिर मुझे ही लिपस्टिक लगानी नहीं आती. उसके बीच में जब मैं अप्लाई कर रही थी तभी मेरे दांत पे भी लग गई थी. आई थिंक आई एम लुकिंग लाइक अ क्लाउन नाउ. बस इसको यूं कर देना चाहिए था. तो ये ईयरबड और लिपस्टिक वाला हैक जो था ये मेरे लिए फेल था, बिल्कुल भी काम नहीं आया. इससे बढ़िया तो मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा लूँगी ऐसी, और अगर बाहर लग जाएगी या साइड कॉर्नर्स पे लग जाएगी तो मैं उसे साफ कर लूँगी. बट पहले ईयरबड ढूंढना और फिर उसको यहाँ पर लगाना और फिर अपना कार्टून बना के लिपस्टिक लगाना इज अ वेरी हेक्टिक थिंग मेरे लिए, अ पर्सन लाइक मी हु इज ऑलवेज इन अ हरी. तो इसीलिए ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं था. आई थिंक ये आपके लिए भी यूज़फुल नहीं था, बट यू कैन जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके लिए हैक यूज़फुल रहा या नहीं. ओके, नाउ लिपस्टिक वाला अपना कार्टून बनवा के अब जो नेक्स्ट हैक है वो है स्पून आई शेडो हैक. ओके, तो स्पून है, स्पून हमें यहाँ प्लेस करना है एंड हमें आई शेडो लगाना है जिससे ये कट क्रीज बनेगा. कट क्रीज मैंने ये आज ही सीखा है जब मैंने ये वीडियो देखी थी, बिकॉज मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता, तो आई हैड टू सी द वीडियो. और ये सब पता लगाने के लिए मैंने पहले रिसर्च की है. मैं पहले रिसर्च करती हूँ और फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ. सो प्रोफेशनल ऑफ मी. मूविंग ऑन, अब हम आई शेडो लगाने वाले हैं. ये आई शेडो कौन सा है मुझे नहीं पता, ये बस रखा हुआ था और मैं ये यूज़ करने वाली हूँ ये स्पून के साथ और इस ब्रश के साथ. आई डोंट नो ये ब्रश भी आई शेडो के लिए यूज़ होता है या नहीं, बट आई एम गोना यूज इट बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेकअप एंड द ब्रश. मैं कलर ले रही हूँ जो इधर लाइट में विजिबल होगा. अब कलर जो भी है ठीक है, बाद में मुझे बोलना मत करना सा कलर क्यों यूज़ किया. अब मैं कोई भी कलर लूँगी जो विजिबल होगा ठीक है. तो अब मैं ये एक पता नहीं कैसा पीची सा और शिमरी सा पीच या गोल्डन इसको बोल सकते हैं ये कलर है. आई थिंक ये दिख जाएगा ऐसी लाइटिंग में, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है. तो लेट्स ट्राई इट
एंड लेट्स जस्ट नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ अस आउट ऑफ मी दिस टाइम. ओके, तो मैंने ये स्पून प्लेस कर लिया है. ठीक है, तो अब मैं ये करने वाली हूँ ऐसे. आई थिंक आई एम गोना टेक अ डार्कर कलर बिकॉज ये अभी दिख ही नहीं रहा था. पर कौन सा लूँ, ब्लैक ही ले लूँ, सीधा ब्लैक ही ले लेती हूँ. टेकिंग ब्लैक, मैंने ब्लैक लिया है. अब ये कैसा लगेगा आई डोंट नो, सब कुछ उस पर है. लेट्स ट्राई इट. चम्मच तैयार है, शेड तैयार है, ब्रश तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, लेट्स डू इट. तो मैंने ब्लैक ले लिया है, मैंने चम्मच प्लेस कर लिया है, लेट्स गेट स्टार्टेड. और मैं पहले बता रही हूँ कि मेरा मिरर इधर नीचे है, मैं उसमें देख के लगाऊंगी. मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि नीचे क्या देख रहे थे. अब फिर से आई थिंक मैं फिर से और बुरी लगने वाली हूँ, सिर्फ बहुत ज़्यादा. मेरे को अभी सही दिखाई दे रहा है. I can see the future coming. I'm looking like a clown. हटाऊं? In 3, 2, 1. Okay. ठीक है. ये क्या है? ये क्या बन गया? ये पहाड़ सा क्या बन गया? या तो ये चम्मच का शेप खराब है या फिर मैंने सही से ब्रश से नहीं किया. आई डोंट नो व्हाट हैव आई डन अगेन. आई थिंक आई हैव मेड अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ. दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू ऑन द इंटरनेट स्पेशली. छोड़ो. सो गाइज, हमने सेकेंड हैक भी ट्राई कर लिया है. सेकेंड हैक इज ऑल्सो अ फेल फॉर मी, इट्स अ बिग फेल फॉर मी. जब भी मुझे आई शेडो लगाना होगा मैं बस अपनी उंगली से लेके उसको लगा दूंगी, नथिंग एल्स. मुझे ये चम्मच वम्मच का कोई चक्कर नहीं पालना. ऊपर से अगर मैं ये कट क्रीज भी करूँगी तो ये कट क्रीज लाइन ही सीधी नहीं बनी है. सॉरी टू से, इट्स अ बिग फेल. इन दो हैक्स के बाद, अपना कार्टून बनवाने के बाद, आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी लेस कॉन्फिडेंट. I am very much broken now. अब मेरा आगे हैक्स करने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करे, वीडियो के लिए करना पड़ेगा. So let's get to the next hack, which is the bobby pin cat eye liner hack. इसका नाम ही इतना बड़ा है, पता नहीं ये सही से लगा भी पाएगी अभी. So let's just start. Okay people, next hack में हमें इस cat eye के ऊपर थोड़ा सा लाइनर लगा रहे हैं और फिर इसको स्टैम्प करना है. मैं मुंह इसलिए नहीं धो रही क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ेगा और इससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होएगा और बार बार मुंह कौन धोए. इसीलिए इसी वीडियो से काम चला लो जिसमें लिपस्टिक भी लगी हुई है और ये कट क्रीज भी लगी हुई है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस. अब इस पर मैं ये स्टैम्प कर रही हूँ ऐसे. पता नहीं इस पर लग भी रहा है या नहीं लग रहा, बट मैं लगा रही हूँ. ठीक है, इसको मैंने स्टैम्प कर दिया. अब इस साइड को ऐसे करके इधर लगाएंगे. वेट, पहले मैं स्केच वाला लाइनर यूज़ कर रही थी, पेन वाला लाइनर, वो लग नहीं रहा था. तो अब मैं लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी, इसके ऊपर स्टैम्प करूँगी एंड फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी. लेट्स सी. ओके, तो अब मैं इसके ऊपर ही लगा रही हूँ. आई होप ये तो लग जाए. तो अब मैं इसको लगा रही हूँ. ठीक है, कहाँ था, किस पे? इस साइड था. क्या है, अब लग जाना चाहिए. नहीं तो मैं ये वाला हैक नहीं करूंगी.
लग गया। ओके मैं नॉर्मल लाइफ में भी कैट आई लाइनर नहीं लगाती, आई जस्ट पुट द बेसिक वन और वो भी सिर्फ एक स्ट्रोक एक लाइन अपनी आईलिड पे। बट आज मैंने ये कैट आई ट्राई किया है तो इसको तो ये स्टैम्प तो हो गया है, अब इसको देखते हैं इसका एंड क्या बनेगा, एंड में ये कैसा लगेगा वो देखते हैं। मैं अपने मिरर में देखूंगी। इट डजंट सूट मी एट ऑल, मे बी बिकॉज मैं ये नहीं करती ज़्यादा या फिर ये कुछ ज़्यादा आई डोंट नो। स्टैम्प तो सही लगा था और इसकी फिनिशिंग करने वाला भी बंदा अगर केपेबल हो तो इसको सही से पुल कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सही से लगाया है। यू जज, बिकॉज जिसको आता लगाना वो लगा लेगा, मुझे नहीं आता और मुझे लगा भी नहीं है तो इसीलिए इट्स अ फेल फॉर मी। बट क्या पता मैं एक दो बार और ट्राई करूँ तो ये इसमें मुझे परफेक्शन मिल जाए। सो आई थिंक आई विल गिव इट अ थम्स अप, इट्स अ थम्स अप। क्या टाई लगाना चाहते हो तो प्लीज़ ये ट्राई करना, ट्राई कर लेना, ट्राई करने में क्या है, क्या पता आपका बेटर लग जाए। सो इसलिए इट्स अ थम्स अप, ग्रेट। ओके नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग विल बी नोज कॉन्चरिंग यूजिंग अ फोक। उसमें दिखाया था कि यू हैव टू प्लेस अ फोक ऑन योर नोज एंड उसके कॉर्नर्स पे लास्ट कॉर्नर्स पे लाइन ड्रॉ कर रही है सो दैट आपकी नोज को कॉन्चरिंग मिल जाए, उसको शेप मिल जाए। सो लेट्स ट्राई इट। ओके तो अब अपनी फोक वाली कॉन्टूरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शेड ले लिया है। ओके तो मैंने उसी ब्रश से, पर ये ब्रश मैंने साफ़ किया था, इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया है फिर मैंने लिया, इस पर ब्लैक नहीं है, पर मैंने यही ब्रश यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कॉन्ट्यूरिंग के लिए कौन सी ब्रश यूज़ करते। सो मैंने फोक को प्लेस कर दिया है गाइस, जस्ट विश मी लक, इस बार मैं कार्टून ना बनूँ पर मुझे पक्का पता है मैं बनने वाली हूँ। ओके एक साइड मैंने लगा लिया, मैं दूसरी साइड ट्राई कर रही हूँ। ठीक है ओके, आई फील लाइक क्राइंग। अब मैं ये हटा रही हूँ सो गेट रेडी, 3, 2, 1। आई थिंक लाइन ड्रॉ करना तो चलो ठीक है, बट इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। आई नो इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, सो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, रुको। इसको ब्लेंड करने के लिए आई हैव दिस स्मॉल स्पंज थिंग विच इज़ कॉल्ड अ ब्यूटी ब्लेंडर इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्यूटी ब्लॉगर्स। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे ब्लेंडिंग भी नहीं आती है, विश मी लक। आई थिंक ब्लेंड तो करते, पता नहीं सही से ब्लेंड हुआ है या नहीं हुआ, पर मेरे को लग रहा है कि साफ हो गया सारा, अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है। डज माई नोज लुक लॉन्गर और डज इट लुक थिनर, आई डोंट नो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेरी नोज की शेप चेंज हुई है या नहीं, ये कॉन्टूरिंग। इट्स अ थम्स डाउन, थम्स डाउन, थम्स डाउन। कॉन्टूरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे कभी नहीं आ सकती एंड मैंने आज पहली बार ये ट्राई किया है, विच इज़ अ बिग फेल। ओके गाइस तो मैंने ये हैक्स ट्राई किए, इसका एंड में रिजल्ट मैं यही दूंगी कि जो मैंने लिपस्टिक हैक यूज़ किया था इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, थम्स डाउन। उसके बाद मैंने स्पून हैक यूज़ किया था फॉर द कट क्रीज, मुझे नहीं लगता कट क्रीज कभी भी मुझे लाइफ में काम आएगा करने के लिए, जब मुझे ऐसा प्रोफेशनल्स वाला मेकअप करना होगा आई वुड रादर हायर अ मेकअप आर्टिस्ट, वो भी मेरे लिए थम्स डाउन है, कट क्रीज इज अ थम्स डाउन। उसके बाद आई डिड दिस कैट आई विच इज
स्लाइटली यूजफुल फॉर मी बिकॉज क्या टाइम में इसे कभी भी लगा नहीं और मैं लगाती भी नहीं. सो ये स्टैम्प वाला थिंग इज़ अ बिट यूजफुल, सो आई विल गिव इट अ थम्स अप. और उसके बाद एंड में इट वॉज द कॉन्टूरिंग थिंग. कॉन्टूरिंग इज सीरियसली नॉट माई कप ऑफ टी, तो कॉन्टूरिंग भी मेरे लिए फेल है. कॉन्टूरिंग मेरे लिए यूजफुल नहीं है. मे बी यूजफुल हो आपके लिए, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो अपने आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स अ थम्स डाउन. तो गाइस ये वीडियो एक ऑनेस्ट थॉट थी. जो हैक्स हमें दिखाए जाते हैं इंटरनेट पे वो यूज़फुल होते हैं या नहीं, तो उसी को मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है. आई होप यू लाइक इट एंड आई होप ये हैक्स भी आपकी लाइफ में थोड़े से काम आएंगे, बिकॉज मेरी लाइफ में तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं. और मुझे पता है कि कभी भी मैं यूज़ भी नहीं करूँगी बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है हैक्स यूज़ करने के लिए. मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली. सो गाइज इतने सारे हैक्स देख के और मेरा कार्टून बनवा के भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देन गिव इट अ थम्स अप. और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये हैक्स आपने पहले भी ट्राई किए हैं और आपके लिए फेल थे या फिर पास थे. मेरे लिए तो फेल थे मोस्ट ऑफ देम, बट अगर आपके लिए अच्छे थे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. और एक्चुअली ट्राई करने के बाद भी मुझे अपने रिव्यूज़ बताना कि ये हैक्स आपके लिए यूजफुल थे या नहीं. एंड उसके बाद इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माई चैनल. येस ऑन माई चैनल. सो इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर दो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, हर जगह फैला दो, सो दैट द ब्यूटी इंडस्ट्री should know कि I have arrived. Also guys मेरी पुरानी वीडियो के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, just check it out and I hope you love them. और उसके साथ साथ Instagram और Facebook के handles के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, don't forget to add me there. Also guys अगर कमेंट सेक्शन में थोड़े से सजेशंस देना चाहते हो अबाउट द वीडियोज एंड अबाउट माई क्वालिटी एंड द कॉन्टेंट, देन यू आर मोस्ट वेलकम. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी नहीं लगी तो इस वीडियो में अच्छा क्या नहीं लगा. आई विल वर्क ऑन इट. थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, कोई बात नहीं, बट कल फिर से मिलेंगे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो, न्यू एंटरटेनमेंट एंड न्यू मी. बाय.